नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। न्यूज वॉल इंडिया की चुनावी कवरेज लगातार जारी है। 10 जिले 57 सीटें 676 प्रत्याशी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसी बीच कुछ खबरें ये आ रही थी कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मतदान बूथों पर ईवीएम खराब हो गया है, जिसकी वजह से मतदाता लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कई तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसी बीच खबरें ये भी आई कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो मतदान करते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं, विक्ट्री का साइन दिखा चुके हैं और लोगों से भी अपील की है सुशासन के लिए, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, विकास के लिए। सभी मतदाता जागरूक हों, मतदान केंद्रों पर आए और वहां पर मतदान करें। तो ऐसे में अलग अलग जगह से, मतदान बूथों से सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आप न्यूज वॉल इंडिया के साथ लगातार बने रहिए, हर एक तस्वीर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और हर एक खबर पर हमारी नजर रहेगी, ताकि कोई भी खबर आपसे ना छूटे और आप तक आपकी खबर पहुंच जाए। तो ऐसे में संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी हेमंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करूं। उससे पहले आपको बता दूं कि संत कबीर नगर में वोटिंग परसेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहा है। मुख्य वजह हेमंत जी ने हमसे पहले भी बताई कि यहाँ पर धीरे धीरे करके मतदाता आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लेकिन दोपहर तक ये जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। कुछ तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे और बताएंगे। देखिए, सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, कई तो मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मतदान बूथों पर जो पिंक बूथ है वो भी बनाए गए हैं, ताकि महिलाएं भी आकर्षित हों और काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे में सेल्फी पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप फोटो क्लिक करेंगे, स्याही का निशान दिखाएंगे, तो फिर आप दूसरे मतदाता जो हैं उनको भी जागरूक करेंगे। और आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता तो और ज़्यादा बढ़ेगी। संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी हेमंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि हेमंत संत कबीर नगर से बने हैं हमारे साथ, लेकिन वो 10 जिलों की अपडेट लगातार इकट्ठे हमें देते रहेंगे। हेमंत जी, कैसे हालात संत कबीर नगर में दिखाई दे रहे हैं, कैसी तस्वीरें, वोटिंग परसेंट कितना, क्योंकि 11 बज चुके हैं। जी काजोल, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जो उत्साह है, वोट का, ये लोकतंत्र का जो पर्व है वो सर चढ़ के बोल रहा है। कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे संत कबीर नगर के। हम खलीलाबाद हीरा लाल इंटर कॉलेज में मौजूद है और कैमरामैन से चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें हम दिखाएं, जिस तरह से यहाँ पर जो दिव्यांग जन है उनमें देखिए कितना उत्साह देखने को मिला, और स्काउट जो छात्र हैं वो किस तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो उनका सहयोग कर रहे हैं वोटरों का, ये उत्साह बोल रहा है। और लोगों में जो सरकार की जो वो है सुविधाएं हैं वो जो है मतदाताओं के लिए जो है सहयोग दिया जा रहा है, और इधर स्काउट गाइड के लोग भी लगे हुए हैं और किस तरह से सहयोग किया जाए वो जा रहे हैं उनसे जानते। क्या नाम आपका, क्या मानते, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? हम रोजगार पे, सड़क पे, पानी पे, बिजली पे, स्पोर्ट पे। प्रत्याशी आपको कैसा होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी जीतना चाहिए? प्रत्याशी सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रत्याशी हमारे लोकल का होना चाहिए, जो हमारी बातों को सुन सके। यहाँ पुलिस किस तरह सहयोग कर रही है और ये मतदान करने आए हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं, देखिए भारी संख्या में मतदान करके लौट रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? सुशील वर्मा। कितना जोश है आप लोगों में मतदान? 100%। कैसा प्रत्याशी आपने चुना है, क्या होना चाहिए उसके अंदर, खूबी क्या होनी चाहिए और किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? जो विकास को, भ्रष्टाचार और अपराधियों का समन करे, वैसा ही हमें प्रत्याशी चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका, कैसा प्रत्याशी आपने चुनाव किया है, क्या मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? जो स्वभाव हो, अच्छा हो। तो काजोल, आपने देखा यहाँ उत्साह है और प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, पेशा विकास करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, वो विकास के मुद्दे को। हेमंत, आपके पीछे कुछ बुजुर्ग है, उनसे जरा बात करिएगा।
देखिए मैडम, एक बुजुर्ग है वो मतदान करने आए हैं इस अवस्था में। क्या नाम आपका? श्याम गुप्ता। गुप्ता जी, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है और क्या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? मुद्दों को लेकर आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया? ये तो पत्रनी बात कही, तो अपनी बात हो गई ना, अपनी बात हो गई। अब इस एज में मतदान के प्रति आपका उत्साह था, कितना उत्साह है? महिला है, उनसे भी काजोल जानने की कोशिश है। मैडम, मैडम आपका क्या नाम है? तो लेकर मैडम वोट कर रही हैं। अरे जो हमारे घर के लोग करेंगे, हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, बाहर तो रहते नहीं हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। तो काजोल इस तरह से है, ये रिएक्शन है लोगों का कि मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर हर इस तरह से मतदाता जो है आ रहे हैं मतदान केंद्रों पे और अपना मताधिकार का प्रयोग जो है कर रहे हैं। जी काजोल, हेमंत जी देखिए, आपने बहुत लोगों से यहाँ बातचीत की, इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। देखिए खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र पर आपकी नजर लगातार बनी रहती है। अभी आपने पूछा एक शख्स से, उनका साफ तौर पर कहना था कि रोजगार हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, नौजवान थे, वो कह रहे थे कि ये जो हमें देगा हम उसका साथ देंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपराध मुक्त क्षेत्र हो, हम ये चाहते हैं। अभी एक महिला, बुजुर्ग महिला थी, आपने बातचीत करने की कोशिश की, वो कहती कि हमारा परिवार जैसा करेगा हम तो पीछे पीछे हैं। यानी कि अब भी महिलाएं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी हैं जो परिवार जैसा कहता है वैसा करती हैं। यानी कि अभी और सशक्त होने की जरूरत है महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में। हेमंत जी सही कह रही हूं मैं? जी बिल्कुल सही है। और ऐसा है कि एक कल्चर होता है गांव का, एक कल्चर होता है, पति परमेश्वर होता है, और जो यहाँ का जो सामाजिक एक दायरा है, एक परिधि होती है हर महिला की, और उस परिधि में लोग रहते हैं। एक संस्कार भी इसमें झलकता है कि उनके घर के लोग उनके जो है गार्जियन होते हैं और वो जैसा कहेंगे उस अच्छा बुरा वो सोचेंगे, और महिलाओं को खाली घर चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो जो गृहिणियां होती हैं, जो घर संभालती हैं, उनका विचार दूसरा होता है और उनका दायित्व भी दूसरा होता है, और एक संस्कार भी इसमें झलकता है। जी काजोल बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, बिजली की बात अखिलेश यादव करते हैं, तो यहाँ पर तो वर्सेस हो रहा है खलीलाबाद में, तो आम जनता किस तरफ जाएगी, बिजली की तरफ, रोजगार की तरफ? जी काजोल, यहाँ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से महिलाएं हैं उनकी अपनी समस्या है, युवा जो है उनकी अपनी समस्या है, और जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनकी अपनी समस्या है। अभी देखिए युवाओं की बात अगर करें तो खलीलाबाद या संत कबीर नगर में पूरे कहे या बस्ती में कहे, तो वही गोरखपुर में इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। गीडा जो है वो आर्थिक राजधानी कही जाती है पूर्वांचल की, लेकिन बगल का जिला बस्ती है, संत कबीर नगर है, यहाँ पर अभी कोई भी विकास किरण नहीं पहुंची है। तो यहाँ के युवाओं को रोजगार की दरकार है, और रोजगार की वजह से युवा जो है यहाँ से पलायन करते हैं। हालांकि निचले स्तर पे मनरेगा जैसी योजनाएं जो है उनसे जो है गरीबों को काफी फायदा पहुंचा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा जो है स्किल वाला नौजवान है उसके लिए अभी कोई रोजगार की बस्ती मंडल में कोई जो है देखने को नहीं मिला है। तो शायद यही वजह है कि युवा रोजगार को लेकर वोट करेगा, और गृहिणियां जो है वो महंगाई की मार झेल रही है उनको लेकर वोट करेंगी। तो जो हर वर्ग अपने अपने मुद्दों को के साथ पोलिंग बूथ पे आ रहा है और अपने अपने मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहा है। जी काजोल, हेमंत जी क्या लग रहा है, जो हमने धीमी रफ्तार देखी थी वोटिंग की, वो अब कुछ बढ़ रही है क्योंकि सुबह का समय है, और देखिए अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो थोड़ा सा ठंडा रहता है वो क्षेत्र, पश्चिम के हिसाब से बहुत ठंडा रहता है, तो सुबह ठंड की वजह से लोग नहीं निकल रहे थे, अब तो दिन चढ़ गया है, अच्छी खासी धूप खिली है। सुबह काजोल जिस मतदान केंद्र पे हम लोग थे वहां लंबी भीड़ देखने को मिल रही, और यहाँ जो है खलीलाबाद के हीरा लाल इंटर कॉलेज में जो बूथ है यहाँ पे कई बूथ है, तो यहाँ पे जो है लोगों को जो है असुविधा न हो, प्रशासन ने इस तरह से व्यवस्था कर रखा है कि यहाँ भीड़ नहीं लग सकती।
जो लोग आ रहे हैं आराम से मतदान कर रहे हैं, मतदान करके वापस लौट रहे हैं, बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है मतदान हो चलता है और उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे घर के काम खाना बनाने के बाद लोग निकल रहे हैं, नाश्ते के बाद लोग निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे मतदान केंद्रों पे लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदान में प्रतिशत में इजाफा होता जाएगा और लोग निकल के आते रहेंगे। अभी फिलहाल हम 10 में हैं, जिला मुख्यालय संत कबीर नगर का है, खलीलाबाद है, वहां पर हम हैं। अभी इसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्रों का जब रुझान देखेंगे कि मतदान केंद्रों पे क्या स्थिति है तब साफ हो पाएगी। और शहर में अमूमन लोग आज लोकतंत्र का पर्व है, छुट्टी मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आराम से चलेंगे और मतदान करेंगे, तो धीरे धीरे लोग जो है निकल रहे हैं और शाम तक मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। जी काजोल, बिल्कुल हेमंत जी, इसके अलावा खलीलाबाद को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, खलीलाबाद का जनाधार क्या कहता है, कितने ऐसे परसेंट हैं जो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ब्राह्मण जो हैं वो कितने आते हैं और कितनी मजबूती के साथ ब्राह्मण ये कहते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि आरोप तो लगातार सरकार पे लग रहा है, 5 साल में बहुत आरोप लगे हैं, पूर्वांचल में कहा जाता है कि ब्राह्मण कुछ नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। जी काजोल, आपने सही कहा कि ब्राह्मण जो है जैसी चर्चाएं थी, चर्चाओं का बाजार गर्म था, 5 साल की ब्राह्मण विरोधी है योगी सरकार, ऐसा लोग चर्चा करते थे, लेकिन उसी को समाजवादी पार्टी ने कैश कराने के लिए पूर्वांचल में अधिकतर जो है ब्राह्मण वर्ग को टिकट दिया है। जैसे बात करें हम माता प्रसाद पांडे इटवा से जो है चुनाव मैदान में है, दूसरी बात संत कबीर नगर की बात करें तो मेहतावल विधानसभा से जयराम पांडे को टिकट दिया गया है, खलीलाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जो है दिग्विजय नारायण जय चौबे को टिकट दिया है, धनघटा विधानसभा जो है वो सुरक्षित सीट है और वहां पर राजभर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने पूर्व में सपा में विधायक रहे अलगू प्रसाद चौहान पर दांव लगाया है। वही अगर चिल्लूपार विधानसभा की सीट बानी जाए तो विनय शंकर तिवारी जो हरशंकर तिवारी जो बड़े नाम है ब्राह्मण चेहरे के, उनके लड़के को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो कुल मिला जुला कर जो एम वाई लेबल लगा हुआ था समाजवादी पार्टी के ऊपर कि मुस्लिम और यादवों को की पार्टी है और उनको ज्यादा टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो वो मिथक अब की बात टूटा है और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया है, जिससे कि एक ब्राह्मणों की नाराजगी को कैश करा लिया जाए। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए इसके अलावा अगर हम इन सभी चरणों को समझेंगे, देखिए 5 चरण पूरे हो चुके हैं और ये 6ठा चरण चल रहा है, ऐसे में एक चीज जो बहुत अच्छी आई है निकलकर वो ये है हेमंत जी कि इन चरणों में ये जो मतदान हुए हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं, इक्का दुक्का खबर के अलावा कोई ऐसी खबर नहीं थी कि चलो इस पर हिंसा हुई है, कुंडा में थोड़ा बहुत देखने के लिए हमें मिला था लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार की सफलता ही है। बिल्कुल, इस बार जो है जो सपोर्टर होते हैं, एक कहावत है कि चाय से ज्यादा चाय की केतली गर्म होती है, तो नेता से ज्यादा उसके समर्थक ज्यादा उबाल में रहते हैं, तो समर्थकों में भी अब वो उबाल नहीं देखने को मिल रहा है जो पहले के चुनाव में देखने को मिल रहा था, और प्रशासन की शक्ति का भी ये असर माना जा सकता है कि इस बार चुनाव में हिंसा नगण के बराबर है। तो दूसरी तरफ अगर मतदाताओं की बात करें, आप पहले पूछ रही थी कि संत कबीर नगर में मेहतावल विधानसभा और खलीलाबाद विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर दोनों विधानसभा में मुस्लिम मतदाता है और 70-80 हजार के बीच में जो यहाँ पाता है वही विधायक होता है। तो एक अगर बात करें तो मुसलमान मतदाता अगर एक तरफा किसी की तरफ चला जाता है तो विधायक को मुस्लिम मत समुदाय अकेले बनाने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद फिर यादव मतदाता और ब्राह्मण और ठाकुर और कुर्मी मतदाताओं की भी अधिक संख्या है। निर्णायक कुर्मी मतदाता यहाँ पे खलीलाबाद विधानसभा से उनका वर्चस्व है, निर्णायक भूमिका रहते हैं जी। तो पिछली बार की बात करें तो एक बार डॉक्टर अयूब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुनाव यहाँ से विधानसभा गए होते हैं और ये कुर्मी समाज ने उनको अंदरूनी मदद की थी,
और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की तो पिछले चुनाव में जय चौबे जो यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी थे और वो उनको चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका कुर्मी समाज ने यहाँ दिखाई थी। अब की बार जय चौबे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो अब की बार कुर्मी समाज क्या कुल खिलाएगा, क्या अन्य वर्ग कुल खिलाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। बिल्कुल हेमंत जी, यानी कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत कबीर नगर के दो विधानसभाओं का जिक्र आप कर रहे हैं जिसमें खलीलाबाद बहुत अहम हो जाती है, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, और अगर मुस्लिमों की हम बात करें तो सीधे इस बार हमने देखा कि मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, वो मुखर आवाज़ हमें नहीं सुनाई दी, पीछे से तो बोला जा रहा था लेकिन स्टेज पर आकर खुलकर बोलना वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। हालांकि मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूर बीजेपी बोलती भी नजर आ रही थी तीन तलाक को लेकर, लेकिन ऐसे खुले तौर पर नहीं बोला गया है। मुसलमान परेशान हैं इसको लेकर कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसी बातचीत खलीलाबाद में चल रही हो? सारे राजनीतिक दल मुसलमान, देखिए मुसलमान वोटों पर निगाह सबने लगाई, बसपा की बात करें अगर यहाँ पर आफ्ताब आलम को उन्होंने प्रत्याशी उतारा है और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो है बसपा ने आफ्ताब आलम को यहाँ से टिकट दिया। दूसरी तरफ बात करें तो ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी ने यहाँ से दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अंकुर तिवारी को जो है ब्राह्मण चेहरे को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता को ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से बीएसपी ने कार्ड खेला उसी तरह डॉक्टर अयूब अपनी पिछली जमीन पर फिर आके यहाँ से चुनाव लड़ गए। दूसरी तरफ वैसी ने भी समर्थन दे दिया पीस पार्टी को और उनकी एक रैली भी उन्होंने की, तो कुल मिला जुला के डॉक्टर अयूब भी मुस्लिम मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और ध्रुवीकरण के चक्कर में है और बसपा भी ध्रुवीकरण के चक्कर में है मुस्लिम मतदाताओं को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी जो मानती है कि मुस्लिम मतदाता हमारे हैं, हमारे पाले में रहेंगे और जो उसी को वोट करेंगे कि जो बीजेपी रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन किसको बीजेपी को हराएगा, मुस्लिम समाज किसकी तरफ जाएगा। AIMIM का क्या असर दिखाई देता है क्योंकि ओवैसी ने खूब सेंधमारी इस बार की है चुनावों में? जी, ओवैसी जो है डॉक्टर अयूब के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर अयूब को पीस पार्टी को ओवैसी जो है समर्थन दे रहे हैं संत कबीर नगर में और उन्होंने डॉक्टर अयूब के साथ जो है पीस पार्टी के पक्ष में उन्होंने समर्थन भी किया है और कुल देखा गया है कि भीड़ देखने को मिली है ओवैसी के कार्यक्रम में, लेकिन वो भीड़ कब वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये तो भविष्य के घर में आज मतदाता तय करेंगे और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। हेमंत जी, इसके अलावा देखिए पीछे बहुत सारी महिलाएं मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे, बातचीत हो सकती है उनकी, क्योंकि महिलाओं का रुख जानना भी हेमंत जी देखिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, तमाम पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। देखिए कांग्रेस आप बात करो उससे पहले एक और बात यहाँ मैं रखना चाहूंगी, कांग्रेस बहुत मुखर तरीके से आई थी, प्रियंका गांधी मैदान में आई, देखिए 2019 से ही वो मैदान में थी लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2019 से तैयारी मैं लोकसभा की नहीं कर रही हूँ, मैं विधानसभा 2022 की कर रही हूँ यूपी के लिए। तो हमें लगा था कि इस बार तो कांग्रेस की अच्छी खासी परसेंट जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, अच्छी खासी सीटें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन तो कांग्रेस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, कांटे की टक्कर हर जगह सपा भाजपा दिखाई दे रही है। देखिए ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में जो 10 जिलों में आज चुनाव हो रहा है कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के फिराक में है, एक ही बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में है अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष, वो तमकुही राज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो बहुत पुराने और बहुत संघर्षशील नेता के रूप में देखे जाते हैं, तो हो सकता है वहां मजबूत हो, लेकिन पूर्वांचल में जनाधार कांग्रेस का कुछ बढ़ता नजर नहीं आता है क्योंकि प्रत्याशी उन्होंने अच्छे दिए जरूर दी लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस के जो है हट चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कोई टीम नहीं है, शायद यही वजह है कि उनको इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ती है। कांग्रेस हालांकि अपने प्रत्याशियों को बहुत सपोर्ट करती है इलेक्शन में, बावजूद उसके कार्यकर्ताओं की कमी कांग्रेस को जो है जनाधार जुटाने में मुश्किल पैदा कर रही है और कांग्रेस को पहले अपना ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करनी पड़ेगी जो जिले में सक्रिय हो और कांग्रेस की जो टीम फिलहाल पूर्वांचल में है वो सक्रिय नहीं है, खाली वो जो है सोशल मीडिया तक कांग्रेस जो है एक्टिव है,
तो उनको धरातल पर मजबूत करना पड़ेगा कांग्रेस को, अपने कार्यकर्ताओं को, तभी जाके कांग्रेस की हैसियत बन पाएगी और उनका बेड़ा पार हो पाएगा। हेमंत जी, निर्दलीय क्या भूमिका निभा रहे हैं, इन पर भी नजर हमें रखनी होगी। जी बिल्कुल सर, तो ये आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए लाइन में था, समाजवादी पार्टी से जो टिकट मांग रहे थे, वो जब नाराज हुए उनका टिकट कटा है, तो वही बागी होकर चाहे वो अन्य पार्टियों में गए हैं या फिर चुनाव मैदान में है, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है, उनके पास कोई जायदाद नहीं है और जनाधार पार्टी का होता है। शायद की वजह है कि निर्दल का कोई असर पूर्वांचल की 10 सीट पे देखने को नहीं मिल रहा है और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर देखने को पूर्वांचल को 10 विधानसभा 10 जिलों में देखने को मिल रही है।